वेलकम बैक टू द ब्लॉग आफ्टर टू मंथ्स। बहुत ही बड़ा गैप हो गया ये, बट ठीक है, अभी वापस से आ गया इसी ट्रैक पे और अब ब्रेक आने का कोई चांस नहीं है। चेंजेस काफ़ी सारे आया, आप देख ही रहे हो। ऐसा नहीं था मैं 2 महीने पहले। दूसरा जो बड़ा चेंज आया है वो ये है कि फाइनली मुझे अपने पुराने पैथेटिक चश्मे से छुटकारा मिल गया। तो ये हो गया नया चश्मा, ये हो गया नए लुक। तो अभी किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? तो नए ब्लॉग में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और इस नए ब्लॉग की शुरुआत आप देख रहे हो, मैं एक हाईवे से कर रहा हूँ क्योंकि आज एक जगह पे जा रहा हूँ मैं। पहले कुछ तैयारियाँ हैं वो कर लेता हूँ। जिमेश को उठाना है, एक्चुअली जिमेश मुझे उठाने वाला है। जिमेश को भूल तो नहीं गए होगे? अगर भूल गए हो तो आज उसको देख के याद आ जाएगा कि जिमेश है कौन। तो अभी निकलते हैं उस जगह पे। ये है हमारी सवारी और ये हमारे सफर के साथी विद न्यू हेलमेट। ऑलमोस्ट पहुंच गए अपनी लोकेशन पे। 12 seconds later. यही होता है जब एक बार आई हुई जगह पे वापस आने की कोशिश करें और फिर घूम हो जाए। ये जगह पे कितनी बार आए होंगे? एक दो। तू दो बार आया? हाँ, तेरे साथ आया था एक बार। हाँ, फिर हम लोग प्रांजल राजवी। हाँ, तो तू दो बार आया, मैं 3 बार आया, हम लोग फिर भी घूम हो गए। इट इज नॉट मेंट टू बी अ ट्रैक, बट एक ट्रैक हो रहा है, जबरदस्ती हो रहा है हमारे साथ, क्योंकि जहाँ से बाइक लाने की जगह थी वो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है और बंद भी है काइंड ऑफ। हाँ, वो बंद भी है, तो हम लोग को बाइक पीछे खड़ी करनी पड़ी। अभी बहुत ज़्यादा चल के जाना पड़ रहा है हम लोग को। पहचान में आ रही है ये जगह? हम आ चुके हैं यहाँ पे और यहाँ का व्लॉग भी बना है। अभी कहाँ जाना है जिमेश? ये दोनों रास्तों में से कहाँ जाना है? ये दोनों? हाँ, कोई भी चले। याद है जिमेश को? याद है तुझे? याद है यहाँ पे क्या हुआ था जिमेश? और मेरी तो जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे ये जगह देखने के लिए, तो यहाँ से मैं अपनी एवेंजर लेके गया था और ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा बंजर थी, पूरी जगह ऐसी थी। और जिमेश अपनी स्कूटी को यहाँ से लेके गया था। स्कूटी थी, स्कूटी थी, फर्स्ट टाइम पे स्कूटी थी। तो लास्ट टाइम जब ये जगह पे आया था तब ये पूरी बंजर हो रखी थी और अभी यहाँ पे आ गया है पानी। याद आई जगह? नहीं आई तो मैं बताता हूँ, और यहाँ पे आई बटन में पिन भी कर दूंगा। ये जगह है वाघ देवी वाटरफॉल्स और बहुत ज़्यादा ग्रीन हो रखी है अभी, पहले इतनी नहीं थी। और मुंह पे स्पाइडर का वेब लगते हुए अभी अंदर का रास्ता दिखाता हूँ आपको, कितना ज़्यादा सुंदर हो रखा है, बस देखो और मज़े करो। ओके, तो हम लोग यहाँ पे आ गए। कम है पानी, जब हम लोग लास्ट टाइम आए थे उससे ज़्यादा कम है। लाइक लास्ट टाइम तो बंजर था, उसके पहले जब हम लोग आए थे तब से कम है, बट इनफ पानी है, अच्छा है यहाँ पे देखने के लिए और आँखों की तृप्ति के लिए काफ़ी है। बस नेचर को सुनो, आवाज़ आ रही है कि नहीं मुझे पता नहीं है, बट वर्थ इट जगह है। और ट्रैकर चलो आगे, चलो लीड कर तू। मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम क्या, दो बार इस जगह पे आया है। चलो चलो चलो। ज़्यादा चलना तो नहीं है अभी, एकदम आ गई है जगह ऑलमोस्ट, थोड़ा सा ही है, देख सकते हो कि नहीं पता नहीं, बट इसके थोड़ा सा आगे जाना है उस तरफ। बहुत आराम से, और यहाँ पे कितनी ज़्यादा फिसलन है, बहुत ज़्यादा संभाल के चढ़ना पड़ रहा है। आराम से आ जिमेश। Yeah.
मैं क्यों मैन वर्सेस वाइल्ड खेल रहा हूं यार। भाई साहब, आपके पीछे कोई है जिसके हाथ में कैमरा और दो आपका और मेरा दोनों का हेलमेट है। थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल रहिए, पीछे से गायब हो गया ना, पता भी नहीं पड़ेगा कहाँ गया दोस्त। ऐसे अपने दोस्तों को नेगलेक्ट करना है तो बोल दे भाई, मैं घर चला जाता हूँ। टाइम हैज कम जहाँ पे मैं आपको एकदम ब्लू ब्लू पानी दिखाऊं और बहता हुआ पानी दिखाऊं। तो रेडी, इन काउंट ऑफ 3, 3, 2, 1। सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग वीकडे पे आए हैं तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, एक बंदा भी नहीं है हम दोनों के अलावा। बीच में आए थे बट वो लोग जा चुके हैं अभी तक, क्योंकि सुबह आए थे। और दूसरा, हम लोग आए हैं अभी 9:30 बजे। तो अभी ये पानी को एंजॉय करिए हमारे साथ बैठ के। इसके अंदर भी जाएंगे यहाँ पे, और उसके लिए कुछ चीज़ें उतारनी पड़ेंगी। हंसता क्या है, जैसे कि शूज कोई ही। तो अभी यहाँ जाएंगे और इस कैमरा के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा ये सब। अगर आपको थोड़ा थोड़ा सा फ्लैशबैक है तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ से चल के इसके ऊपर चढ़ के गया था, ये 1, 2, 3, और फिर उसके बाद हम लोग वहाँ गए थे, मैं अकेला जब आया था तब। सफाई मांगता है मुझसे कब आया। अभी मैं आप लोग को डिस्टर्ब नहीं करूँगा, एकदम नेचर फील करिए यहाँ पे आके, ऐसा लगना चाहिए आपको कि आप भी मेरे साथ आए हो। तो मैं अभी यहाँ पे आपको शांति से रख देता हूँ और आप नेचर को फील करिए और अपने मज़े लीजिए, तब तक हम अंदर जाने की तैयारी करते हैं। आ गया है टाइम जब जाएंगे पानी के अंदर। रेडी? एकदम रेडी इस पानी के अंदर? डूब तो नहीं जाएगा ना भाई? एकदम ज़्यादा पानी का लेवल लग नहीं रहा है, लेकिन अभी अंदर जाके देखेंगे कहाँ तक है, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ना, ये पत्थर के आगे थोड़ा सा डीप लग रहा है। तो भाई वहाँ से हम लोग यहाँ ऊपर आ चुके हैं, अब ये जा रही है यहाँ से, अब इसको फॉलो करेंगे और देखेंगे कहाँ तक जा रही है। अगर टाइम अलाउ करेगा तो बहुत आगे तक जाएंगे। 11:30 हो रहे हैं, हम लोग को 2 घंटे हो चुके हैं। चलो, तो जब भी हम लोग ये फर्स्ट टाइम देखने आए थे, हम लोग को ये चीज़ अव्वा लगी थी, क्योंकि भाई वाटरफॉल और यहाँ कैसे हो सकता है। बट हम लोग जब इसको पहली बार देखने आए थे तब हम लोग 12 बजे के करीब आए थे, दोपहर हो रही थी तभी, और तब यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे,
यहाँ पे कुछ लोग नहा रहे थे, नहाते हुए लोगों की वीडियो नहीं लेते। अभी तक तो कोई नहीं है, तो ये थोड़ी जगह साफ सुथरी दिख रही है। एक रिक्वेस्ट है कि बस अगर आप यहाँ पे आओगे तो कुछ भी लीटर मत करना, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही पीसफुल और साफ जगह है। तो यहाँ पे कुछ भी खाने पीने की चीज़ मत लाओ, और अगर ला रहे हैं तो अपने साथ एक पाउच लेके आओ जिसमें आप अपना कचरा डाल सकते हैं। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एंड पे आ गए हैं इसके, और यहाँ से कुछ ऐसा व्यू है। देखो बंदर है वहाँ पे, ये जूम करूंगा तो फटेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े से अलग अलग बर्ड्स और एनिमल्स दिख रहे हैं, जैसे कि वो जगह पे एक बंदर दिखा था। और शेर ना जाए। क्या बोला? टाइगर ना जाए। तो क्या हुआ, अपन हम लोग पेट भर के नहीं आए, हम किसी का पेट तो भर सकते हैं ना। चलते हैं थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी इसमें, लेकिन इतना ज़्यादा एक्सप्लोर फर्स्ट टाइम किया है ये वाले वाटरफॉल को, कभी ऊपर आने की हिम्मत नहीं की, आज की है। तो अभी और आगे आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक छोटा सा वाटरफॉल दिखा है, मतलब वाटरफॉल नहीं बोलेंगे इसको, ये एक पत्थर से दूसरे पे गिर रहा है, बट देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है। जाने का वक्त हो गया है यहाँ से। तो एक चीज़ कहनी थी कि जब कभी भी थोड़ी सी लाइफ डिफ़िकल्ट हो जाए या ऐसा लगे कि कुछ अच्छा नहीं है लाइफ में, तो एक ऐसी जगह पे आ जाओ तो सब कुछ एकदम न्यू लगेगा, और जब भी घर लौट के जाओगे तो एक बहुत ही अच्छी चाम होगी तुम्हारे अंदर, और एक चाह होगी कुछ नया करने की। कितने देर में पहुँच जाएंगे क्या लगता है? 15 मिनट देखते हैं कितना बज रहा है। अभी 11:55 हो रहा है, तो 12:10 12:15 कर दूँ? चलो ठीक है। जिमेश ने बोला 15 मिनट, तो एग्जैक्ट 15 मिनट में हम लोग यहाँ तक आए, बाहर तो नहीं निकले लेकिन यहाँ तक आए हैं एग्जैक्टली जहाँ से हम लोग चढ़े थे। बोला हम जा रहे हैं। हाँ तो घर जाने से पहले एक बार डुबकी मार लेते हैं। डुबकी मारना है, हम वापस यहाँ पे आ गए। देख मारनी है चल, लास्ट टाइम चल, लेट्स गो। फोन अंदर डालना पड़ेगा। बाय बाय बाय, बाद में मिलते हैं। और फिर हमें ऐसा लगा कि जैसे कि सब कुछ कनेक्टेड हो, अगर हम यहाँ रुके ही नहीं होते तो शायद ये चीज़ नहीं देख पाते।
अब ये कहानी तो यहीं ख़त्म होती है। हम अब अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक बने रहिएगा।